press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के उन प्रसिद्ध हस्तियों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने प्रतापगढ़ जिले का नाम पूरे भारत में रोशन किया। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर एक, रघुराज प्रताप सिंह। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का जन्म 31 अक्टूबर 1967 को प्रतापगढ़ के भद्री रियासत में पिता श्री उदय प्रताप सिंह और माता श्रीमती मंजू राजे के यहाँ हुआ। उनके दादा राजा बजरंग बहादुर सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। राजा भैया के पिता राजा उदय प्रताप सिंह विश्व हिंदू परिषद व आरएसएस के मानद पदाधिकारी रह चुके हैं। राजा भैया अपने परिवार के पहले ऐसे सदस्य थे जिन्होंने पहली बार राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश किया। घुड़सवारी और निशानेबाजी के शौकीन राजा भैया लखनऊ विश्वविद्यालय से मिलिट्री साइंस, भारतीय मध्यकालीन और कानून में स्नातक की डिग्री हासिल की। सन 1993 में राजा भैया ने राज्य स्तरीय चुनाव में भाग लिया और विजयी होकर विधायक भी बने। तब वह सिर्फ 26 वर्ष के थे। राजा भैया सन 1993 से लेकर अब तक प्रतापगढ़ जिला के विधानसभा क्षेत्र कुंडा से लगातार निर्दलीय विधायक निर्वाचित किए जाते हैं। साथ ही साथ राजा भैया कल्याण सिंह, मुलायम सिंह यादव, राजनाथ सिंह और अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। नंबर दो, जगत गुरु कृपाल महाराज। जगत गुरु कृपाल महाराज एक सुप्रसिद्ध हिंदू आध्यात्मिक प्रवचन करता थे। कृपाल महाराज का जन्म 5 अक्टूबर 1922 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के मनगढ़ गांव में हुआ था। कृपाल महाराज का पूरा नाम राम कृपाल त्रिपाठी था। उन्होंने जगत गुरु कृपाल परिषद के नाम से एक वैश्विक हिंदू संगठन का गठन किया था जिसके इस समय 5 मुख्य आश्रम पूरे विश्व में स्थापित हैं। इनमें से 4 भारत में और 1 अमेरिका में है। 14 वर्ष की आयु में ही कृपाल महाराज ने साहित्याचार, आयुर्वेदाचार एवं व्याकरण चार की उपाधियां आश्चर्यजनक रूप में अल्पकाल में ही प्राप्त कर ली। 14 जनवरी 1957 को मकर संक्रांति के दिन महज 34 वर्ष की आयु में उन्हें काशी विद्युत परिषद की तरफ से जगत गुरु की उपाधि से विभूषित किया गया था। वे अपने प्रवचनों में समस्त वेदों, उपनिषदों, पुराणों, गीता, वेदांत सूत्रों आदि के खंड, अध्याय आदि सहित संस्कृत मंत्रों की संख्या क्रम में बतलाते थे जो न केवल उनकी विलक्षण स्मरण शक्ति और अद्भुत ज्ञान को भी दर्शाता था। 15 नवंबर 2013 को जगत गुरु कृपाल महाराज का निधन हो गया। नंबर तीन, प्रमोद तिवारी। प्रमोद तिवारी एक भारतीय कांग्रेसी नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित प्रतापगढ़ जनपद के रामपुर खास चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रमोद तिवारी ने 1979 में राजनीति में कदम रखा और 1980 में विधानसभा के चुनाव में रामपुर खास क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे और विजयी भी हुए। सन 1980 से शुरू हुआ जीत का सिलसिला आज तक नहीं थम सका है। उन्होंने रामपुर खास विधानसभा से लगातार 9 बार चुनाव जीतकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने आदर्श विधायक का खिताब भी हासिल किया। यूपी सरकार में वे 3 बार मंत्री भी रह चुके हैं। साथ ही उन्हें 5 बार विधानमंडल का नेता भी चुना जा चुका है। वर्तमान में रामपुर खास सीट से प्रमोद तिवारी की बेटी आराधना मिश्रा विधायक हैं। नंबर 4, अनुपम श्याम। अनुपम श्याम एक भारतीय अभिनेता है जो कि मुख्यतः बॉलीवुड की फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाते हैं। साथ ही अनुपम श्याम टीवी जगत में भी सक्रिय हैं। अनुपम श्याम को टीवी की दुनिया में पहचान स्टार प्लस के शो मन की आवाज प्रतिज्ञा में सज्जन सिंह की भूमिका से मिली। वे अब तक कई बेहतरीन फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं जिनमें लज्जा, नायक, दुबई रिटर्न, परजानिया आदि फिल्में शामिल हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से अच्छी जानकारी मिल रही हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नंबर 5, श्वेता तिवारी। श्वेता तिवारी एक भारतीय टेलीविजन एक्ट्रेस और फिल्म अभिनेत्री हैं। वह छोटे पर्दे पर प्रेरणा के नाम से भी जानी जाती हैं। साथ ही वह बहुचर्चित रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 4 की विजेता भी रह चुकी हैं। श्वेता तिवारी का जन्म 4 अक्टूबर 1980 को प्रतापगढ़ में हुआ था। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत छोटे पर्दे के शो दुश्मन से की थी, लेकिन उन्हें घर घर पहचान सीरियल कसौटी जिंदगी की से मिली। श्वेता तिवारी छोटे पर्दे के अलावा भोजपुरी सिनेमा में भी अपनी पैर जमा रखी है। इसके अलावा वे बॉलीवुड की फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं।
नंबर 6 राजा दिनेश सिंह। राजा दिनेश सिंह एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे जो कि कालाकांकर राजवंश के एक सदस्य थे। राजा दिनेश सिंह प्रतापगढ़ से 4 बार सांसद चुने गए थे, साथ ही ये 2 बार भारत के विदेश मंत्री के रूप में चुने गए। राजा दिनेश सिंह का जन्म राजा अवधेश सिंह के यहाँ 19 जुलाई 1925 को हुआ, जो कि प्रतापगढ़ के रईस लोगों में शामिल थे। राजा दिनेश सिंह गांधी नेहरू परिवार के बेहद करीबी थे। 30 नवंबर 1995 को इनका निधन हो गया। नंबर 7 राजकुमारी रत्ना सिंह। राजकुमारी रत्ना सिंह एक भारतीय राजनेत्री हैं, जो कि वर्तमान में बीजेपी की सदस्य हैं। रत्ना सिंह कालाकांकर राजघराने से हैं। रत्ना सिंह पूर्व विदेश मंत्री राजा दिनेश सिंह की बेटी हैं, जो कि प्रतापगढ़ से 1996, 1999 और 2009 में सांसद रह चुकी हैं। नंबर 8 बाबूलाल गौड़। बाबूलाल गौड़ भाजपा के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। 2 जून 1930 को यूपी के प्रतापगढ़ जिला में पैदा होने वाले बाबूलाल गौड़ का भाजपा नेता के रूप में मध्य प्रदेश की राजनीति में प्रमुख स्थान रहा है। वे 23 अगस्त 2004 से 29 नवंबर 2005 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। मध्य प्रदेश के गोविंदपुरा सीट से उन्होंने लगातार 10 बार विधायक बनकर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बार विधायक चुने जाने का रिकॉर्ड बनाया, साथ ही वे कई बार मंत्री भी बने थे। 21 अगस्त 2019 को इनका निधन हो गया। नंबर 9 स्वामी करपात्री महाराज। स्वामी करपात्री महाराज एक प्रख्यात भारतीय संत, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और राजनेता थे। उनका मूल नाम हरि नारायण ओझा था। स्वामी करपात्री का जन्म सन 1907 में प्रतापगढ़ के भटनी गांव में हुआ था। धर्म शास्त्रों में इनकी अद्वितीय और अतुलनीय विद्वता को देखते हुए इन्हें धर्म सम्राट की उपाधि प्रदान की गई। स्वामी करपात्री का अधिकांश जीवन वाराणसी में बीता, जहां उन्होंने धर्म संघ की स्थापना की। नंबर 10 रवि त्रिपाठी। रवि त्रिपाठी एक प्रख्यात भारतीय पार्श्व गायक, संगीतकार, संगीत निर्देशक, अभिनेता व टेलीविजन मेजबान है। इन्हें सोनी इंटरटेनमेंट टेलीविजन के रियलिटी शो इंडियन आइडल के सीजन 2 से पहचान मिली। रवि त्रिपाठी ने दूरदर्शन के क्लोजअप परफॉर्मर जैसे कार्यक्रम की मेजबानी की है। रवि ने गायन की शुरुआत 4 वर्ष की आयु से की। वे पटियाला घराने से आते हैं और बेल्हा प्रतापगढ़ के पैतृक निवासी हैं। दोस्तों आपको बताते चले कि इन सबके अलावा यश भारती पुरस्कार पाने वाले हिंदी और उर्दू भाषा के कवि इमरान प्रतापगढ़ी, कोंडा विधानसभा से 5 बार विधायक बनने वाले नियाज हसन खान, राजा भैया के चचेरे भाई अक्षय प्रताप सिंह, पूर्व मंत्री शिवाकांत ओझा, वर्तमान सांसद संगम लाल गुप्ता आज भी प्रतापगढ़ जिले के फेमस लोग हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आपका पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।